वेलकम टू एकेडमी मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि आज का टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 तो ये एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एनर्जी की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी जैसे कि हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं एक किलोमीटर जाने के लिए या दस किलोमीटर जाने के लिए सपोज हमने एक लीटर पेट्रोल का यूज किया तो हमें उसको एफिशियंसी बढ़ानी है दस किलोमीटर जाने के लिए अब हमें उसको पॉइंट लीटर ही हम यूज कर सके

कम करने के लिए स्टैंडर्ड बनाए बना जाते हैं यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन के नॉर्म्स स्टैंडर्ड कंज्यूमर्स के लिए कंज्यूमर जैसे कि हम जो कॉमन है हमारा अगर एसी चल रहा है कितना वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है उससे रिलेटेड लाइक बिल्डिंग कोड ये बनाता है कि जो बिल्डिंग्स है वो किस तरीके से बननी चाहिए वहां पे ऐसा हमें बिल्डिंग मटेरियल यूज करना है ताकि उसमें गर्मी का भी इम्पेक्ट ज्यादा ना हो और कोल्ड का भी इम्पेक्ट ज्यादा ना होता कि हम उसके अंदर हीटर ए ये सब यूज ना कर सके देखो कॉमर्शियल बिल्डिंग का कोड ये सब कुछ इसमें बताया जाता है तो ये टोटली totally है कि एनर्जी के कंजम्पन को हमें कम करना है और वो तभी होगा जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे अब जो ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है दो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी बनाया गया था दो दो तो ये इम्प्लीमेंट करता है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को और ये ऑपरेशनलाइज हुआ था 2002 से तो इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है टू रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी इन इंडियन इकोनॉमी हमारी जो इकोनॉमी है यानी कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उन सब में एनर्जी का जो यूज हो रहा है उसको कम करना है. यही इसका एम है एनवायरमेंटल लॉस सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें कॉन्टेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें तो और कॉन्टेक्ट थ्रो अर वेबसाइट वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स